है, यही सरकार है जो बोलती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये इनको देखना चाहिए ना, सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार क्या अंधी है, नाम हो रहा है, ये तो नाम कमा रहे हैं, नाम नहीं कमा रहे और क्या कर रहे हैं। योगी और मोदी सब अपने अपने बैठे हैं, वहाँ घर पे बैठे हैं, वहाँ से सब खाली प्रचार कर रहे हैं। हाँ, ये आदेश है, ये श्वासन दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं, बैठे बैठे राजनीति की जा रही, राजनीति है और बिटिया पर भी राजनीति हो रही, बिल्कुल हो रही, बिटिया पर भी हो रही, बहू पर हो रही, सबके ऊपर हो रही, आदमियों पर हो रही, किसके पर नहीं हो रही। बेटियों को सुरक्षा देने में बीजेपी सरकार फेल या पास है? देखो अब इसके आगे हमने बताएंगे, अगर ये खत्म हो जाए तब तो बीजेपी पास है, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो बीजेपी पास नहीं, कोई राजनीति है। अगर इसमें ये राजनीति चलती रहेगी तो इसको कौन वोट देगा, कोई नहीं देगा। क्या लग रहा है कि योगी सरकार बिटिया को इंसाफ दिला पाएगी? ये हमको नहीं लग रहा दिला पाएगी, नहीं दिला पाएगी। सौ की सीधी बात एक है। चाचा मुझे एक चीज बताइए, पहले एक नदी में एक दलित का बच्चा और एक ठाकुर का बच्चा दोनों डूब रहे हैं, तो सत्ताधारी सरकार किसको बचाएगी, ठाकुर के बच्चे को या फिर दलित के बच्चे को? वो तो दलित को नहीं बचाएगी, ठाकुर को बचाएगी। ऐसा क्यों कर रही है? क्यों ऐसा तो है, इंसान नहीं होते क्या? देखो जितना बड़ा आदमी है उसको कोई नहीं, उसका वो कहीं पाद मारा वो अच्छा बादशाह है, और जो दलित का आदमी पाद मारा अरे कहीं साला चोर है, हटा इसको साला खेत, कहता कि नहीं कहता। चाचा हाथ रस में बिटिया के साथ जो हुआ आप भी वाकिफ होंगे, क्या क्या हुआ, क्या लग रहा है कि बिटिया को इंसाफ मिलेगा? अरे बिटिया को इंसाफ तो मिलना चाहिए, ये चाहे से अत्याचारी हो गया तो ये जैसी लड़की हो बिटिया बहू जा रही है तो इसमें सरकार बनना बेकार है। पहले मायावती सरकार रही और कांग्रेस भी सरकार रही, बहुत अच्छी तरह रही है, अब ऐसा सरकार आई है कि कोई चीज न्याय है ही नहीं, कहो चाहे जमीन जा रही तो कहो हो रही है तो वैसा हो रही में अब चंक बनवा दे रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहा, अत्याचार बहुत हो रहा, लड़की और लड़कन के शादी वो का जो पढ़े लिखे क्या वो भी जा रहा है, ये ज्यादा हत्या के चार होगा। बिटिया को लग रहा है इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल, योगी सरकार दिला पाएगी? मोदी सरकार कहाँ हंसती है, जो हंसती होते देवते, अब जब उनकी वहा नहीं है नेता कहीं दबा देता है, क्यों नहीं दबा जाता है, बिल्कुल दबा जाए। रात में हिंदुओं में एक रीति रिवाज है कि चिता को रात में नहीं जलाया जाएगा, बिल्कुल नहीं जलाया जाता, तो रात में वहाँ पे बॉडी को जलाने का क्या मतलब है? ये इसका मतलब है घुसखोरी किया गया तब ये जलाया गया, मतलब कि दाल में कुछ काला नहीं बाबा, पूरी दाल है काली है और का, बिल्कुल नहीं ऐसा ऐसा कहाँ जल सकता, जल ही सकता है, ये हम कैसे मान ले जल जाए, एक गरीब आदमी है एक धन्ना सेठ है, तो गरीब के बाद चाल लाता सभी को मार सकता है और अमीर आदमी को नहीं मारेगा, वो अच्छो खराबो कह रहा तो उसको कहे वाह भाई बहुत बढ़िया तुमने किया, ये बहुत गलत काम किया गया, हाँ छिनार ये भाग गया। अगर जो ना बड़े भाग गए तो लोग कहते हैं वो तो पिकनिक मनाने गई। अच्छा, मतलब कि गरीब की बिटिया भगे तो वो बदतमीजी कर रही, हाँ। और अमीर की बिटिया भगे, हाँ। क्या भगे तो पिकनिक मना रही, वो पिकनिक मना रही है, पिकनिक मना रही है, कितनी अच्छी बात यहाँ पर बोली, गलत कहा हो गलत कहा हो, ये बहुत गलत काम किया गया। सरकार ऐसी बनना चाहिए कि जो जनता भी देखे और हर चीज को देखे, लड़की है बहू है उसको इसे गलत कह रहा है कोई दरोगा पुलिस को या कहूँ जाए तो उसको भी ध्यान करना चाहिए, हमारा नहीं हुआ घुसखोरी चल गए कहीं हटाओ ये काम खत्म हो गया। बिटिया को लड़कियों बेटियों को सुरक्षा देने में बीजेपी सरकार फेल है पास है, ये जो है मोदी सरकार फेल है, फेल है, हाँ। कोरोना में मायावती सरकार रही है वो फेल नहीं रही, हरदम कागज पर सही रही है। कोरोना पे अंकुश लगाने में बीजेपी फेल रही है पास रही, कोरोना लगाने में बस यही अत्ता रही है, जो 10% सही रही है तो 15-20% खराब है, 20% खराब और क्या। रोजगार देने में बीजेपी फेल है पास, बिल्कुल ये फेल है, फेल है, हाँ। योगी सरकार को काम के मामले में विकास के मामले में 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अरे इसके नंबर क्या मिलेंगे 10 में से? फिर भी एक आकलन मुझे बताइए, 10 में से कितने लायक हैं योगी जी? अब मतलब सामने कुछ को कहा है, अंदर अंदर पूछो, गरीब आदमी तो कूक रहा है, सामने नहीं कह रहा और पीछे सब बतला रहा है, मैं जो को कहा थे तो उसको कहें ये बोल रहा है और बहुचन कैसा खल रहा है कि कुछ कहा ही नहीं। अगर ब्राह्मण है, पंडित है, ठाकुर है, मुस्लिम है, ईसाई है, किसी भी समुदाय की है, अगर उसके साथ गलत हो रहा तो उसको भी इंसाफ चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि एक अगर वो हमारे गांव में हाई कास्ट है उसको इंसाफ नहीं चाहिए, वही होता चाहिए तो हमारे गांव में ठाकुर पंडित है नहीं सरकार का ये काम और क्या। तो ये भी डर आपके अंदर है? बिल्कुल, अगर हमारे गांव में 10 ठाकुर होते ना पंडित तो यही हाल होता, वो यही लाओ फसा लगाते। ऐसा क्यों ठाकुर पंडितों में ऐसा क्यों रोष है? ऐसा ही है, जहाँ है देख नहीं रहे हम क्या? नहीं नहीं, ठाकुर पंडित इंसान नहीं होते क्या चाचा? इंसान है लेकिन सबके अंदर इंसानियत नहीं है। जो इंसान है वो चार आदमियों के बीच में बैठ करके अच्छी बात बताते हैं, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं वही गुंडागर्दी हमेशा रहती है। सब इंसान बराबर नहीं होते, कोई भी आदमी एक जैसा नहीं। मतलब कि अगर एक जैसा सब दुनिया में हो ना तो ये ऐसा अत्याचार ना हो कभी। अच्छा, मतलब कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं इस चीज का डर है कि ठाकुर और पंडितवाद जो चल रहा है ये कहीं दलितों को लेना डूबे? है, हम देख नहीं रहे, है हमारे रिश्तेदारियों में है। अच्छा? यहाँ नहीं, अब यहाँ केवल सब वही हरजन समझो है और कोई जात नहीं। एक दूसरे पर कोई दबाव नहीं हमारे गाँव, मतलब की सब कुशल मंगल है। हाँ, सब कुशल मंगल है। एक दूसरे हमारे गांव में कोई किसी पर दबाव नहीं डालता, कि आदमी की जात नहीं होती है। बिल्कुल, इंसान इंसान होता है, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, कोई भी हो, लड़की आपकी हो हमारी हो लड़की है, अगर इंसान मिलना है सबको मिलना है। यही स्थिति रही देश में, बलात्कार होते रहे, अगर यही स्थिति रहे तो योगी सरकार चली जाएगी। चाचा क्या कहते हैं 2022 के चुनाव में अगर यही स्थिति रही, बच्चियों के साथ अपराध होते रहे, बलात्कार होते रहे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो 2022 के चुनाव में योगी सरकार रहेगी? वो तो छोड़ दीजिए, ये देखो फसलें खड़ी हुई हैं और योगी सरकार मोदी सरकार दोनों जो है किसानों का जो है कुछ नहीं देख रहा, जबरदस्ती जो है जमीनों पर कब्जा हो रहा है, एयरपोर्ट की अथॉरिटी को दे रहा है। ये आप देखें कितना जो है भक्ति खेड़ा रहीमाबाद चिलावा की जमीन पर जबरन कब्जा हो रहा है, बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन है, ये देखिए बाउंड्री है कहीं। आप देख रहे हैं जब योगी सरकार चुनाव लड़ रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब योगी जी का ही नारा था कि हमारी सरकार आने सबसे पहले काम होगा, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाएंगे। इसीलिए मोदी सरकार योगी सरकार को लाया गया था कि सबका साथ सबका विकास होगा, नारा यही था, नारा यही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी नारा था। जब बेटी ने बचाएगी तो कहाँ से पढ़ेंगी वो? जो बिटिया के साथ हुआ हाथरस में, उसको इंसाफ की कितने परसेंट आपको उम्मीद दिखाई दे रही है योगी सरकार में? इस सरकार में उम्मीद बिल्कुल है ही नहीं, इंसाफ होना ही नहीं इस सरकार में, बिटिया को इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, दुष्कर्म होते रहेंगे, क्या नहीं हो रहा ये बताइए। ऐसे बिटिया पढ़ेंगी, बेटियां ऐसे पढ़ेंगी देश की? यार बिटिया जब बच्चे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ दीवार पर लिख देने से नहीं, वो खाली नारा है, वो खाली नारा है बस, और बिटिया के साथ दुष्कर्म होता रहे कोई मतलब नहीं, सरकार कान में चुप्पी डाल के ये खाली नारा है बस। हद खत्म हो गई है, ये सिर्फ नारा है और नारा ही रहेगा, नारा रहे, यही नारा इनको 2022 के चुनाव में लेना डूबे। हमें ये बताइए कि इसमें कौन सा आदमी ऐसा है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, पैसे वाला हो या गरीब हो, कौन ऐसा आदमी है जो है इस समय परेशान नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसानियत देखनी है तो गांव आओ, क्योंकि शहर में तो इंसान रहते हैं। हमारा काम है आपको सच्चाई से वाकिफ कराना, और सच्चाई से ऐसे ही हर रोज मैं आपको वाकिफ कराता रहूंगा, मिलाता रहूंगा, जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराता रहूंगा। हाँ, तरस में बिटिया को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता ये देखना भी हमारे लिए बेहद दिलचस्प है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि ये खबर है आपके भारत की, आपके गाँव की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मोहित, लखनऊ। We'll be right back.